तो दोस्तों स्वागत है आपका ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास इनोवा आ रखी है। इनोवा में फुल इंटीरियर वगैरह काम हुआ है, प्लस बाहर लुक पे भी अच्छा खासा काम हुआ है। और हम कहाँ रखे, हमारा रखे भगवती मोटर जो कि अपना करोल बाग में पड़ता है। अब एक बार हम शॉप ओनर से भैया से बात करते हैं, वो आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। भैया थोड़ा बताना भैया क्या काम हुआ। गाड़ी हमारे पास लखनऊ से आई थी, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर ये एक्सीडेंट हो गई थी, ठीक है भैया। एक साल तक पहले वर्कशॉप में खड़ी रही, okay। इसका जो इंटीरियर पुराना था, मैं आपकी इसकी पिक्चर शेयर करूंगा जिस हालत में आप आई थी। हाँ जी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी गाड़ी के डैशबोर्ड में स्क्रैचेज और काफ़ी मिस हैंडल गाड़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारे को दोबारा से कुछ ऐसा रिवैम्प इंटीरियर कर दीजिए जिससे हमारे को इसमें गाड़ी पुरानी की फीलिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके अंदर हमने इसका सारा इंटीरियर कोटिंग प्लस सीट्स प्लस मैटिंग वुडन इंटीरियर स्टेयरिंग नॉब, आप इस गाड़ी की माइनर से माइनर डिटेलिंग भी देखेंगे तो उस डिटेलिंग से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस गाड़ी में कितनी मेहनत की गई है। इस गाड़ी के अंदर बाहर से आपको लुक्स में इतने चेंजेस नहीं मिलेंगे जो अंदर से आपको मिलेंगे। अंदर से आप एक बार आए तो इसका वीडियो चेकआउट कीजिए और आप अपना इसी के हिसाब से अपनी राय बनाइए कि आप अपना ये काम कराने के लिए कैसे। सर उससे पहले एक बात बताइए, इनोवा का अपना कौन सा मॉडल रहने वाला है? ये इनोवा का 2014 मॉडल की गाड़ी है, गाड़ी पुरानी शेप की है और इसका ये जी वर्जन गाड़ी है, ठीक है। जी वेरियंट है, जी वेरियंट गाड़ी है। इसके अंदर कैप्टन सीट्स लगी है, ठीक है। जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी तो इसके अंदर जैसे आपको मैंने बताया ये एक्सीडेंट हुई थी वर्कशॉप के अंदर। सर थोड़ा सा अगर आप फोटो आप शेयर कर सकते हो मेरे व्यूअर्स को, उनको पता चले कि गाड़ी का क्या पहले हाल था और अब मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी कितना अपग्रेड है। मेरे पास इसकी स्क्रीनशॉट मेरे फोन में है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप एडिट करके अपने वीडियो में ले सकते हैं। आपको मैं ये गाड़ी का डैशबोर्ड था, इसके अंदर काफी ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह थे जी। फिर उसके बाद ये सारा ये जितना भी डैशबोर्ड में थे इस तरह के काफी विजिबल वगैरह स्क्रैचेस वगैरह थे काफी सारे, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा था कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। ये स्टीरियो का पैनल था, एसी के स्विचेस वगैरह काफ़ी डैमेज थे। ये स्टीरियो, ये हमारा जो स्टेयरिंग का पार्ट है ये भी ज़्यादा स्क्रैच एरिया में कह सकते हैं। तीन हेडरेस तो ऑलरेडी थे ही नहीं, और जो गाड़ी जो थी जिस तरह मेरे को ओनर ने बताया कि इस गाड़ी के अंदर इनकी एक्सीडेंट होने के बाद ये छत के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक्स थे जो आप देख सकते हैं, ये विजिबल क्रैक्स थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस क्रैक्स को भरने के लिए, हमें काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करनी पड़ी वेलर रूफ की। और इसके बाद जैसे आप ये देख सकते हैं ये दो चार पार्ट्स कंपनी की तरफ से मिसिंग थे और ये जो था अभी ये ग्रे इंटीरियर में था। अब इसका आप टोटल मेक ओवर देख सकते हैं, कारपेट वगैरह इस हालत में था, आमरेस वाले की ये हालत इस तरह काफ़ी ख़राब थी इस गाड़ी की। अब आप इस गाड़ी का इंटीरियर एक बार रिव्यू हुआ चेक करिए। अब अगर आप सर ना बताते ना तो हम ये कह ही नहीं सकते कि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ था, जो अब जो करंट कंडीशन है। तो एक बार गाड़ी के पास चलते हैं, देख सकते हो भगवती मोटर्स यहाँ पे आ रखे करोल बाग में पड़ता है और ये खड़ी अपनी इनोवा। अब मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ, काम दिखाता हूँ कि गाड़ी का लुक में कितना अपग्रेडेशन हो गया है। तो पहले से सर हम एक बार बाहर की बात करते हैं, फ्रंट बाहर की, क्योंकि फ्रंट को हमने इसमें ऐड ऑन एक फॉगलाइट्स लगाई हैं, ठीक है। ये फॉगलाइट्स लगी अपनी इधर, आप देख सकते हो थोड़ा सा, बाकी फ्रंट एज इट इज। साइड पे जरूर अपने काम हुआ, अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें जी मैं देख सकते हो। उसके अलावा ये सर पूरी क्रोम किट लगी, क्योंकि एक बार सर थोड़ा बंद करके एक बार मैं व्यूज को साइड प्रोफाइल चेक कर लीजिए, ये देख लो आप, इधर भी क्रोम तो है ही है। उसके अलावा जो अपने ये सर ये बेसिकली पूरी क्रोम किट आती है, अपनी क्रोम किट है पूरा, ये साइड प्रोफाइल में पूरा क्रोम है, ये देख लो आप। अब इसके बाद इसका इंटीरियर में जो इसका मेन अट्रैक्शन है, ये पूरी पूरी गाड़ी कोट हुई है, ये देख सकते हो आप, ये पूरी गाड़ी कोट हुई है। बेसिकली इसमें ये डिटेलिंग का काम है, ये सारा टेक्सचर वर्क है, ये बेसिकली वो वुडन ट्रिम जो होते हैं वो लगे, ये ट्रिम नहीं है, ये पूरा पूरा कोटिंग वाला काम है। अच्छा पूरा कोटिंग, ट्रिम वाले तो गर्मियों में उतर सकते हैं, ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है सर। इसके बाद आप ये स्टेयरिंग में देखिए, ये सेम काम हुआ हुआ है जी, जो कि हमने हालत दिखाई थी स्टेयरिंग भी काफी डैमेज था इस साइड से। तो ये स्टीरियो का पैनल पूरा कम्प्लीट, आप नॉब के ऊपर एक बार जरा दोबारा एक बार फोकस करो जी, ये नॉब के ऊपर पूरी हमने इसको कोटिंग की है। तो मैं थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको जूम करके, सो दैट आपको पता चले कि किस क्वालिटी का काम हमको मिलने वाला है पूरा। ये प्रॉपर जो जेन्युइन इंटीरियर होता है वो चीज़ हुई है, देखो आप पूरा
गाड़ी की लुक ना काफ़ी चेंज हो गई है सर। इस साइड में एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस साइड से आपने मेरे को फोटो शेयर की थी, गाड़ी काफ़ी डैमेज था ना, ये सारा डैमेज था, ये सारे डैमेज पार्ट को हमने इसमें कुशन में कवर कर दिया, तो अभी आप मेकआउट ही नहीं कर पाएंगे कि नहीं ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा। इसके बाद मैचिंग डोर्स के अंदर जो काम था ऐसे ही आपने जो इसमें काम सर ये ऊपर साइड भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ये सारा यहाँ पर ये गाड़ी क्या पहले किसी डिपार्टमेंट में यूज होती थी, तो यहाँ पर काफी ज्यादा एम्पलीफायर लगा रखे थे काफी होल्स थे, तो हमने सारा पार्ट इसको रिपेयर भी किया और इसको कोट भी किया। ठीक है, और जो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन स्कीम यूज की है वो बेंटले के अंदर हमारा ये सेम कलर स्कीम आती है जी, तो हम एक्चुअल टैन कलर बोलते हैं, टैन कलर बोलते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो कलर है ये कलर आप विजुअली अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होता है जी। और क्योंकि हम लोग ये फोटोग्राफ कैमरा से यूज़ करते हैं इससे इसका जो कलर है ना वो लोग कहते हैं भैया ये तो मेरे मतलब, लेकिन अगर एक्चुअल में ये कलर देखते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव कलर, बहुत अट्रैक्टिव कलर। ये थोड़ा सा बिकॉज एक्चुअली क्या है कि लाइट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा आ रहा है, बट अदरवाइज ये एक्चुअली टैन कलर है, मैट फिनिश टैन कलर है जी। इसके साथ मैचिंग आप इसका बूट भी चेक कीजिए, उसके बाद ये जो नॉर्मली आप देखते हो तो ये सब बीच में कलर छोड़ देते हैं लोग, इसकी रैपिंग हैंड ब्रेक पे भी रैपिंग हुई है, इसके ऊपर भी रैपिंग है, गियरबॉक्स पे, पूरी रूफ के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो भी सारे ब्लैक कोट के साथ कॉम्बिनेशन हुए। तो अभी कुल मिला के इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो नीटनेस है काम की दो कलर यूज हुए बस, एक ब्लैक और एक टैन, उसके बाद थर्ड कलर आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ जो होती है ना जो ज्यादा कलर मजा नहीं आता वो ओवर चीज लगती है, तो एक एक ना ये नॉर्मली क्या करते हैं लोग जब काम करते हैं तो क्या करते हैं कि बीच बीच में चीजें छोड़ देते हैं, जैसे हैंडबैग के कवर छोड़ दिए, बूट छोड़ दिए, मैटिंग छोड़ दी, तो उसमें क्या होता है गाड़ी एक तरीके से ऐसा दिखती है जैसे शेड कार्ड अगलीनेस आ जाती है उसमें। इसके अंदर इसमें अगलीनेस नाम की अभी कोई चीज़ नहीं, एक एक कलर की थ्रेड से लेके नॉब से लेके बूट से लेके हर एक चीज़ का आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत नीट तरीके से किया हुआ मिलेगा जी। तो एक चीज़ जैसे आपने मैटिंग की बात की मेरे को एक चीज़ याद आ गई, इसमें बहुत यूनिक चीज़ कर रखी सर ने कि जो अपने जो 70 मैट्स हो रखे बिल्कुल इंटीरियर के साथ मैचिंग हो रखे सर, तो ये चीज़ कैसे की आपने? मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि ब्लैक कलर के मैट्स आते हैं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इसके लिए लोग क्या करते हैं जो बाजार में रेडीली अवेलेबल चीज़ें हैं जी उसको बस ये है कि बल्क में लिया और लगा दिया, वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर हमारी गाड़ी की मैचिंग बन रही है नहीं बन रही, वो क्या है विदाउट कलर स्कीम बनाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जैसा ऊपर का कारपेट वैसी ही मैचिंग सीट्स, तो पूरी कलर स्कीम को एक ही कॉम्बिनेशन बता के चलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है जो आफ्टरऑल दरवाज़ा खोलने के बाद जो इम्पैक्ट गाड़ी में आता है ना वो अल्टीमेट आदमी को लगता है हाँ ये काम हुआ मेरी गाड़ी में। ये देखिए आप इसकी मैच के अंदर इसकी देखिए जरा ब्यूटी देखिए आप, ये सेम कलर आपका बिल्कुल टैन कलर है जो अपने इंटीरियर में इंटीरियर के साथ पूरा पूरा एक एक चीज़ का कलर स्कीम कलर कॉम्बिनेशन हर चीज़ मैच है। ये ऊपर के ग्रास मैट है, ये भी काफी थिक क्वालिटी है। इसके भी अगर हम बात करें ग्रास मैट पे भी ये साइड पे जो अपना ये पाइपिंग वगैरह कहते हैं वो भी सेम उसी कलर का हुआ है, मतलब पूरा उसी कलर का कॉम्बिनेशन लगा है सारा थ्रेड वर्क। बाकी अभी इंटीरियर पूरा देख लो, थ्रेड भी इनफैक्ट सेम कलर का यूज किया, सारे सेम कलर के हैं, ये प्रॉपर बकेट फिटिंग है जिसको कहते हैं बकेट फिटिंग ऊपर होता है सर जी। ये सीटों का काम सीटों के ऊपर होता है जी, इसके अंदर हमारे को टाइम थोड़ा अच्छा टेलरिंग जॉब में लगता है, बाकी नॉर्मली जो बकेट सीट है जैसे आम होती है उसके अंदर सब वो क्लिप्स और कांटे लगा के काम किया जाता है, इसमें कोई क्लिप कांटे नहीं है, इसकी हम 3 साल की तो अनकंडीशनल गारंटी देते हैं, वारंटी रहती है। ठीक है, इसमें ना तो सीटों की कभी शेप आउट होती है, ना कभी इनके अंदर रिंकल्स आते हैं, ना कभी बैठने में ढीली पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे आदमी फीचर्स मांगता है तो उसको एक अच्छा नेविगेशनल बेस्ड म्यूजिक सिस्टम, उसके बाद एक अच्छा कैमरा सिस्टम जी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। जैसे आप कह रहे हो ये अपना ये लगा है, थोड़ा सा मैं साउंड बंद कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो सर ये अपना जो लगा है 9 इंच की स्क्रीन लगी है, 9 इंच है, साउंड बंद कर देता हूँ, ये अपनी 9 इंच की स्क्रीन लगी है, स्क्रीन है प्लस अपना कैमरा भी लगा जैसे आप बता रहे हैं, रिवर्स डाल के चेक करिए वो भी ठीक है, HD कैमरा है, इतनी रात को भी बिल्कुल क्लियर, ये देखो अभी कोई पीछे खड़ा है, अभी देखो क्लैरिटी देख सकते हो, बहुत ही मतलब बहुत ही क्लियर विजन है, और 8 बज रहे हैं, 15 आइटमें लगी हैं, तो 15 आइटमों की हमने एक एक चीज़ को शॉर्टलिस्ट करके लगाया कि वो आइटमें आपको सारी आइटमों में कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये आप देखो ये जो अपने रहते हैं इधर पूरे ये वुडन फिनिश हो रखी है सर जो अपने डोर्स पे लगे, हाँ जी ये आप देखो पूरा सारा पैनल हमने एक नया लगाया है, ये पुराना पैनल जो था वो छोटा वाला टाटा था वो भी काफी ज्यादा डैमेज था, अच्छा वो भी डैमेज हो चुका है, वो आपको कहो तो मैं पीस दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, उसके अलावा मैं ये चीज देख रहा हूँ जहाँ हमारे सर बटन रहते हैं AC वगैरह के वहाँ भी आपने जो चीज काम करवा रखा है, मतलब वुडन का इसी को शायद लग्जरी लुक लोग मतलब छोटी से छोटी डिटेलिंग पे काम हो रहा है, काम किया हुआ, तो पूरा मैं आपको एक बार ना थोड़ा सा डिटेल में लुक दिखाता हूँ, ये आप डोर्स वगैरह एक चेक करो भाई हर एक चीज़। अभी मैं तो आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम बैक साइड पे भी चलेंगे, बैक सीट्स पे कि क्या काम हुआ है, उसके अलावा आप ये देख सकते हो
इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है कि बिल्कुल जो है ना एक असली इंटीरियर वाली लुक रहनी चाहिए, वो चीज़ की गई है। और रूफ़ पे भी ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। इसका बेनिफिट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई जो आपकी कार है ना एसी चलाने जल्दी ठंडी हो जाती है और बंद करने के बाद जल्दी गर्म नहीं होती। तो बाकी ये सारा काम आप देख सकते हो, ये क्रोम वगैरह अपने जो है बाहर मैंने बात की थी। उसके अलावा थोड़ा सा पीछे जाने पहले मैं थोड़ा बाहर का दिखाता हूँ। ये देखो हमने क्रोम हैंडल्स वगैरह लगे हैं। उसके अलावा अगर हम इधर आते हैं तो ये देख लो अपनी डोर बीडिंग लगी विद क्रोम जैसे रहने वाली है। अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं तो ये देखो आप देख सकते हो डोर्स पे देखो अपना बहुत ही अच्छा काम हो रखा है। ये सीट कवर्स वगैरह आप देख सकते हो जैसे कि प्रॉपरली। ये अपने आर्मरेस्ट वगैरह रहने वाले हैं कि आप ये देख सकते हो प्रॉपर। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ डिटेल में सो देट आपको पता चल जाए कि भाई किस क्वालिटी का यहाँ पर काम होने वाला है। ये आप देख सकते हो मैट्स वगैरह आर्म रेस्ट पे भी इनफैक्ट देखो डुअल टोन रखा गया जो अपना ब्लैक और टैन का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ये आप छोटी से छोटी डिटेलिंग में देखो यहाँ पे काम हो रहा है। तो मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो पीछे अपना कुछ काम चल रहा है शायद स्पॉयलर वगैरह लग रहा है, देखेंगे दिखाऊंगा आपको वो चीज़ भी। आपको थोड़ा सा दूर से दिखा रहा हूँ इस साइड प्रोफाइल, क्योंकि फ्रंट में तो कुछ खास काम नहीं हो फॉग लाइट के अलावा। तो साइड प्रोफाइल दिखा रहा हूँ आपको गाड़ी की, तो आपको पता चल जाए कि ये कार का एक्सीडेंट हुआ था और अब ये देखो कार की लुक किस तरह से अच्छी हो गई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो रूफ रेल्स भी डाल रखी है छत पे, जैसे आप देख पा रहे हो रूफ रेल डाल रखी है छत पे। उसके अलावा पीछे शायद स्पॉयलर की फिक्सिंग हो रही है, एक बार पता करते हैं चलते हैं। बैक साइड साइड की बात करते हो बैक साइड पे अपने इधर स्पॉयलर डलवा लिए भैया ने जैसे आप देख पा रहे हो। उसके अलावा इधर पूरा क्रोम का काम हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो, पूरा क्रोम वगैरह डाल रखा है यहाँ पे। और अगर हम नीचे साइड चलते हैं तो ये अपना जो रियर गार्ड होता है काफ़ी सेफ्टी रहती है गाड़ी की बैक साइड से, तो वो भी इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। और ये इनोवा की देखो उस पर ब्रांडिंग हो रखी है। उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम इधर जाते हैं तो आप देख पा रहे हो अपना जो है पार्किंग कैमरा या रियर कैमरा कहते हैं वो भी इंस्टॉल हो गया। आउटपुट मैं आपको दिखा चुका था, अब एक बार अंदर चलते हैं। भैया जिनकी गाड़ी इनोवा, तो भैया गाड़ी जैसे भैया बता रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ था आपकी गाड़ी का और काफ़ी स्मार्टली इन्होंने जो हर एक चीज़ को मतलब रिपेयर कर दिया। बिल्कुल। कहाँ से आए भैया? सर बड़ोत बाग फोर्ट। ये कहाँ पे पड़ता है भैया? यूपी में पड़ता है। यूपी में पड़ता है, तो यूपी से भैया स्पेशल अपने पास यहाँ पे आए काम कराने। तो भैया क्या फीडबैक है आपका काम के बारे में? क्या बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। तो जो आपने उम्मीद भी जैसा इन्होंने किया मतलब गाड़ी को एकदम ना जो कैसे ना ये चीज नया चेहरा दे दिया, बिल्कुल नया चेहरा दे दिया। और अगर सही में मेरी मानो तो अगर भैया ना बताते कि गाड़ी के ऐसे एक्सीडेंट हुआ था तो देख के आज कोई नहीं कह सकता कि गाड़ी का ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हुआ था गाड़ी को। सर जैसे बात की कस्टमर से वो काफ़ी सेटिस्फाइड है, क्योंकि थोड़ा सा उनके मन में डर था कि भाई गाड़ी एक्सीडेंटल है शायद बेचनी ना पड़ जाए, लुक वगैरह वो शायद मिले ना मिले। तो जो कि कस्टमर कह रहा है कि भाई उम्मीद से बढ़ के काम उनको मिला है थोड़ा सा, तो मतलब काफ़ी उम्मीद से बढ़ के उनको काम मिला और काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो सर थोड़ा बात करते हैं तो कितना टाइम लगा है हमको ये गाड़ी रेडी करने में? तो इस तरह की गाड़ियाँ जो अंदर से इंटीरियर होती है इसमें हमारे को मिनिमम 3 दिन चाहिए होते हैं। 3 दिन लगते हैं, एक दिन को गाड़ी को पूरा खोलने में लगता है जी, एक दिन सारा काम कोटिंग और रेडी करने में लगता है, तीसरा दिन गाड़ी को पैक करने में। ठीक है। मीन वाइल हमारे जितने भी कस्टमाइज में जैसे हमारे कारपेट्स हैं जो हमारे रूफ वगैरह है वो सारे काम हम यहीं पर इसमें सारा काम हम इन हाउस करते हैं। ठीक है जी। इसमें हम कुछ भी काम बाहर से नहीं कराते। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को 3 दिन का मिनिमम टाइम चाहिए ही चाहिए। और एक ये तो कंप्लीट पैकेज है, इसके बाद एक इसमें सेमी पैकेजेस है। जैसे आजकल नई गाड़ी आ रही है जैसे आइटन ग्रैंड है क्रेटा है जी, लोग उसकी कलर स्कीम चेंज करने के लिए कहते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ एक पार्ट्स होते हैं जो खोल के हम उसको सेम डे में भी करते थे, तो एक दिन गाड़ी देके अगले दिन मिलने का भी। वो बेसिकली कस्टमर चॉइस पर डिपेंड है, कस्टमर चॉइस भी और उसमें पैकेज के कॉस्ट में भी डिफरेंस है। ठीक है। एक है कंप्लीट पैकेज, एक सेमी पैकेज और एक फुल पैकेज। ठीक है। तो उसमें 3 तरीके के पैकेज हमारे पास रेडी हैं। उसके लिए काफ़ी सारे ब्रोशर्स, काफ़ी सारे कैटलॉग्स और काफ़ी सारे हमारे पास फोटोग्राफ्स का कलेक्शन है जी। तो जब आप कभी कस्टमर हमारे आता है तो उसको हम तीनों पैकेजेस ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं और उसके टाइमिंग और उसके बजट के हिसाब से काम तैयार करते हैं। ठीक है। तो बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है भैया का, तो आप इनसे बात कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। तो सर एक चीज़ और बताते हैं, पूछना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो अपनी रेडी हुई है 3 दिन में, इसमें क्या कॉस्ट आई है गाड़ी अपनी रेडी होने? कॉस्ट इसमें डिपेंड करता है छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, इसके लिए कॉस्ट में कुछ एक चीज़ों का कॉस्ट तो हम फिक्स कर सकते हैं, बट इस तरह की गाड़ियाँ तैयार करने के लिए बजट लगभग 20,000 रुपये से हमारा स्टार्टिंग पैकेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जिसमें हम सीट कवर्स भी प्रोवाइड करते हैं, वुडन इंटीरियर भी देते हैं, स्टेयरिंग मैट्स वगैरह देते हैं जी। इसको एलैबोरेट करते हुए अगर कोटिंग वाला जाते हैं तो हमारा ये काम 40-50,000 में भी जाता है। ठीक है। अब जैसे इस गाड़ी के अंदर काफ़ी चीज़ें डैमेज थी,
तो ऐसा कोई बजट इसमें हम लोग वो कर नहीं सकते। तो जब काम पे डिपेंड हो, जैसी गाड़ी हो उसके अकॉर्डिंगली और कस्टमर की नीड के हिसाब से बजट तैयार करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम।